मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा दसवीं के संबंधित पद्य भाग में से बिहारी द्वारा रचित दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने बिहारी कवि का परिचय, उसके साथ साथ यहाँ पर कुल मिलाकर आठ दोहे हैं, हमने अब तक पांच दोहों का अध्ययन किया है। आज हम उसके छठा, सातवां और आठवां दोहों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम पिछले कुछ दोहों का विवरण करते हुए आगे के दोहे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला दोहा इस प्रकार है, जो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। श्री कृष्ण सांवले होते हुए, श्याम रंग के होते हुए भी उनके ऊपर पीले वस्त्र सोने के जैसे जच रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो उसी प्रकार सांवले होते हुए भी उतना अच्छे लग रहे हैं। उनको कवि ने नीलमणि पर्वत और धूप से तुलना की है। उनके शरीर सांवले रंग को नीलमणि पर्वत शैल यानी पर्वत से तुलना की है। जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप जब गिरती है तो कैसे लगते सौंदर्य जो कैसे लगता है, वह वर्णन वहां पर मिलता है। और पीले वस्त्र पीतांबर कपड़ों को इन्होंने धूप प्रातः काल की जो सुबह की धूप है उसका वर्णन किया है। दूसरे दोहे में कवि कहते हैं कि यहाँ पर आपसी दुश्मनी जो है भूलकर सभी जो शत्रु हैं एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। इस समय धूप बहुत ही बढ़ चढ़कर यानी गर्मी का बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी दिखती है। गर्मी के वजह से मोर और सांप एक जगह बैठे हैं, उसी प्रकार हिरण और बाघ जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं। ये भले कि एक दूसरे के आहार हैं, बाघ का आहार हिरण है, मोर का आहार सांप है। आगे कवि कहते हैं कि दूसरे दोहे में जैसे वन में, जो तपोवन में ऋषि मुनि अपने तपस्या में मग्न रहते हैं, दूसरों का विचार नहीं करते हैं, उस प्रकार यहाँ पर आपसी दुश्मनी होते हुए भी ग्रीष्म की जो धूप के वजह से दुश्मन जो है एक साथ बैठे हुए हैं। उसी प्रकार तीसरे दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण और गोपिकाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण से बातें करना गोपिकाओं को मन ललचाता है, इसीलिए वे कृष्ण की बांसुरी जो है चुरा लेते हैं। बांसुरी को चुरा कर और गोपिकाएं ये भी कहती हैं कि वह शपथ कसम खाती है कि हमने बांसुरी को चुराया नहीं। तो आगे कृष्ण जब मानता है तो वह अपने भूखों से हंसकर फिर से वह उनसे लताड़ना, उनसे मनमानी करना करते हैं। इस तीसरे दोहे में गोपिकाएं बात करने के लिए उसकी बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी चुराते हैं। और चौथा है, यहाँ पर बिहारी ने श्रृंगारिकता का वर्णन किया है। इस दोहे के अंतर्गत चौथे नायक और नायिका दोनों आंखों में ही इशारों से बातें कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी लताड़ रहे हैं, फिर आंखें मिलती हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। ये सब जो है क्रिया अपने आंखों में ही चल रहा है। तो वहां पर भवन में भीड़ है,
लोगों की भीड़ है, वहां पर दूसरे लोगों को यह पता नहीं है कि नायक और नायिका आंखों आंखों में ही बात कर रहे हैं, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो पांचवें दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि यहां पर जो जून महीने की धूप का वर्णन किया है, धूप इतनी है कि छाया धूप को, धूप की गर्मी को मिटाने के लिए छाया के पास आकर धूप की गर्मी को कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर छाया ही छाया को ढूंढ रही है। कवि आगे कहते हैं कि धूप जो है एक तो घने जंगलों में और घर में ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार पांच दोहों का विस्तृत अध्ययन हमने पिछले दो वीडियो में किया, आज हम छठा दोहा का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है, कागज पर लिखत न बसत बनत कहत संदेशु लजात कहिए सबु तरव ही हो मेरे ही की बार। यहाँ पर देखिए कागज पर, कागज यानी कागज है, लिखत बनत नहीं है, न बनत यानी लिखना उसे नहीं हो रहा है। इस दोहे का प्रसंग इस प्रकार है कि यहाँ पर नायिका जो है विरह का वर्णन है, विरह जो नायिका नायक से दूर है वह विरह का वर्णन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखिए कहत संदेशु लजा, संदेश कहने के लिए लिखने के लिए उसे लजा देने लज्जा है, कही यानी कहना, सबु यानी सब, तरह यानी हियो, हियो यानी हृदय, तेरे हृदय, मेरे हिये की बात, मेरे जो हृदय की बात है यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसका विवरण इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि नायिका नायक से दूर है, विरह है उसके बीच में, बिछड़न है, नायक उसके पास नहीं है। नायिका को जब याद आ रहा है नायक का, तो वह यह अपनी पीड़ा को, अपने प्यार को कागज में लिख नहीं पा रही है, उसे लज्जा आ रही है, नायक को लिखने के लिए उसे लज्जा आ रही है। और आगे कवि कहते हैं कि नायिका जो है यह कहती है कि मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो गम है ये बिछड़न का, यह तेरे हृदय से पूछ ले, नायक के नायक को कह रही है कि तेरे हृदय से पूछ ले कि मेरे हृदय की हालत क्या है, उसे भली भांति पता है तेरे हृदय को, तो उसे पूछ कि मेरी दशा किस प्रकार हुई है। तो यहाँ पर नायिका जो है अपने विरह वर्णन जो है, पीड़ा जो है वह अपने कागज में नहीं लिख पा रही है, इसीलिए वो कहती है कि तुझे तेरे हृदय को सब पता है, तो तेरे हृदय से ही आने हृदय है वहां पर पूछ सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत विस्तृत देखेंगे भावार्थ, देखेंगे भी भावार्थ, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात कही है सब तेरा ही और मेरे हिय की बात। कवि कहते हैं कि नायिका नायक के लिए संदेश भेजना चाहती है, पर ना तो उसे वह प्रेम संदेश कागज पर लिखते ही बनता है और ना ही वह बोल कर बता सकती है, क्योंकि उसे कहने में लज्जा का अनुभव होता है। आगे देखिए भावार्थ, तब नायिका कहती है कि नायक से कहना कि मेरे हृदय की सब बातें तेरे हृदय में है, अर्थात तुम मेरे हृदय की वेदना और व्याकुलता को भली भांति अनुभव कर सकते हो। इस प्रकार जो है संक्षिप्त में यहाँ पर उसका भावार्थ दिया गया है। तो यहाँ पर नायिका जो है नायक के विरह में, विछड़न में वह अपने मुंह से कहने के लिए या लिखने के लिए लज्जित है, इसीलिए उसके हृदय से पूछने के लिए कहती है। इसके शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है
शिव सौंदर्य दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। प्रेम संदेश भेजते समय नायिका की नारी सुलभ लज्जा का जीवंत वर्णन है। विरोधाभास और अतिशयोक्ति अलंकार है। श्रृंगार रस का अनुपम प्रयोग है। गुण माधुर्य है। देखिए बिहारी के जितने भी दोहे हैं जो दोहा छंद में लिखा गया है और इसका विवरण मैंने पद के अंतर्गत किया था, तो ब्रज भाषा का जो मानक ब्रज भाषा का इसका प्रयोग इन्होंने किया है। प्रेम संदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं और अतिशयोक्ति अलंकार को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस तो हर एक दोहों में पाया जाता है और गुण माधुर्य है। इसका गुण जो है माधुर्य में मधुर भावना इसमें दिखती है। तो इसके कुछ शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ शब्द अर्थ कागज कागज कहे कहते हुए संदेशों संदेश लज्जा शर्माना सब सभी हियर हृदय। तो यहाँ पर उच्चारण सहित आपने जो है शब्दार्थ को इस दोहे के छठे दोहे के शब्दार्थ को देखा। अगला दोहा है प्रकट भय द्विजराज कुल सुबह सुबस बसे ब्रज आई मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। देखिए इस दोहे के अंतर्गत बिहारी जो है यहाँ पर इस प्रसंग इस प्रकार है कि कवि स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पीड़ा को हरने की बात श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो इसका विवरण इस प्रकार है कि प्रकट प्रकट होना द्विजराज यानी यहाँ पर चंद्रमा कह लीजिए ब्राह्मण कह लीजिए कुल यानी यहाँ पर अंश है चंद्रमा अंश है। सुबह से यानी अपनी इच्छा से अपने स्वयं की इच्छा से स्वेच्छा से बसे ब्रज आई यानी ब्रज को आ गए स्वतः मेरे हरो यानी हरना यानी पीड़ा को मिठा देना कलेश सब यानी मिठाना केशव तो एक तो श्री कृष्ण भगवान का नाम है और केशव राई यानी यहाँ पर केशव राय जो है बिहारी के पिता का नाम है। तो दोहे का विवरण इस प्रकार है कि हे श्री कृष्ण हे प्रभु तुम तो चंद्रमा कुल में पैदा हुए हो चंद्रमा कुल में पैदा हुए हो और अपने इच्छा अनुसार स्वयं इच्छा से जो है आप ब्रज नगरी में आकर बस गए इतने लीलाएं किए आपने आप स्वयं जो है इतने अच्छे जो खानदान या कुल में पैदा हुए और स्वतः है जो है ब्रज नगरी में आकर बस गए। मेरे हरो यानी यहां पर पीड़ा हरने की बात कर रहे हैं। जैसे मीराबाई के पद में आपने पढ़ा होगा उन्होंने दुष्यंत से द्रौपदी की चीर को जो बचाया भक्त प्रहलाद को जो हिरण्यकश्यप को मारकर उसकी पीड़ा जो हर ली ऐरावत हाथी को बचाकर उसकी पीड़ा हर ली। मीराबाई भी अपनी पीड़ा को हरने के लिए यहां पर कहती है। तो उसी प्रकार बिहारी भी इतने उच्च कुल में भगवान आप जो है पैदा हुए ब्रज नगरी आकर बस गए तो मेरी भी पीड़ा हरने के लिए वह आगे कहते हैं कि जिस मेरे पिताजी का जो नाम है केशव राय है तो तुम्हारा और एक नाम है जैसे गिरिधर मुरलीधर लला ऐसे अनेक नाम है तो के आपका भी नाम एक केशव है। तो मेरे पिताजी का भी जो प्रारंभ का नाम जो है केशव से प्रारंभ होता है तो तुम भी मेरे पिता के
पिता के समान होते हुए तुम मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो कष्ट है, तुम क्या करो, हरो, यानी उसे मिटा दो। यहाँ पर भी आप श्री कृष्ण भगवान से बिहारी भी विनती कर रहे हैं, जैसे कबीरदास करते हैं, मीराबाई करते हैं, वैसे ही बिहारी भी यहाँ पर जो है अपनी पीड़ा को हरने के लिए इन्होंने पिता का नाम जो है, मेरे पिता का नाम केशव राय है, इसीलिए तुम्हारा भी नाम केशव है, इसीलिए पिता के भक्ति तुम भी मेरे पीड़ा को जो है हर लो, उसे नष्ट कर दो। ऐसे यहाँ पर जो है विनती जो है, प्रार्थना जो है केशव बिहारी कवि श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। इसका थोड़ा बहुत हम सर्वप्रसंग विवरण हम देखेंगे भावार्थ प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि अपने और कृष्ण में समानता बताते हुए उनसे अपने कष्ट हरने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर विवरण जो है देख सकते हैं, क्षमा कीजिए, जो ध्वनि है वह सुनाई नहीं दे रही है, वही विवरण जो आपके लिखने के लिए आसान हो इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी मैं एक्स्ट्रा मार्क के द्वारा दे रहा हूँ। तो इसका विवरण इस प्रकार है, कवि बिहारी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका जन्म द्विज अर्थात चंद्रमा के वंश चंद्रवंश में हुआ है और मेरा भी जन्म द्विज अर्थात ब्राह्मण वंश में हुआ है। आप भी अपनी इच्छा से ब्रज में बसे थे और मैं भी ब्रज में इसी इच्छा से रह रहा हूँ कि आप मेरे सब कष्ट क्लेश हर लेंगे, क्योंकि आप केशव हैं और मैं मेरे पिता केशव राय थे। तो आगे इसकी शिल्प सौंदर्य देखेंगे। शिल्प सौंदर्य दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, बसे ब्रज और केसव केसव राय में अनुप्रास अलंकार है, द्विजराज चंद्र ब्राह्मण और सुबस स्ववश सत इच्छा में रूपक अलंकार का मनोहारी प्रयोग है, केसव केसव राय कृष्ण कवि बिहारी के पिता में यमक अलंकार है, भक्ति रस का सहज प्रयोग है, गुण माधुर्य है। तो देखिए बाकी सब जो है दोहा छंद हो या ब्रज भाषा ये तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो है भक्ति रस है, यहाँ पर श्रृंगार रस के साथ साथ इन्होंने भक्ति रस का भी जो है, जैसे आप देख सकते हैं मीराबाई हो या कबीरदास हो, उनके प्रकार यहाँ भी जो है भक्ति रस का महत्व इस दोहे के अंतर्गत सातवां दोहे के अंतर्गत आप देख सकते हैं, गुण माधुर्य है। इसके शब्दार्थ हैं शब्दार्थ शब्द अर्थ द्विज चंद्र ब्राह्मण कुल वंश सुबस अपनी इच्छा से सद इच्छा से कलेस कष्ट केशव कृष्ण केशव राय कवि बिहारी के पिता। तो आपने यहाँ पर सविवरण इसके शब्दार्थ को देखा। तो इस प्रकार आपने सातवें दोहे में जो है कबीर बिहारी की जो प्रार्थना को भगवान के प्रति श्री कृष्ण के प्रति पीड़ा हरने के लिए प्रार्थना को देखा। अगला दोहा इस प्रकार है, अंतिम दोहा आठवां दोहा, जब माला छापे तिलक सरेना आयको कामू मन काछे नाचे भृथा सांचे राचे रामू। तो देखिए इसका प्रसंग यही है कि यहाँ पर ईश्वर की जो भक्ति होती है सच्चे मन से करने से होती है, इस दोहे के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जप माला है, जपने की माला है,
छापे यानी छापना यानी तिलक सिर पर तिलक लगाना हो। सरय ना ऐके कामों यानी कोई भी जो काम जो है नहीं होगा, ये बाह्य आडंबर से नहीं होगा। मन कांचे नाचे भूता, मन कांचे यानी बिना सच्चे भक्ति वाला कच्चा मन का, यानी कच्चे फल होते हैं मीठे फल, मीठे बहुत ही मीठा होता है, कच्चा जो होता है थोड़ा बहुत उसमें खट्टा खटास जो है आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर कच्चा मन या यहाँ पर बिना सच्ची भक्ति वाला जो है मन कांचे नाचे भूता यानी बेकार हो जाता है। आप सच्चे मन से ईश्वर को नहीं बुलाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका जो यह बेकार हो जाता है। वही सांचे यानी सच्चे मन से भक्ति करना, राचे यानी प्रसन्न राम ईश्वर रूपी राम का आप पा सकते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है कि जैसे कबीरदास भी बाह्य आडंबरों पर उन्होंने टीका प्रहार किया है, यहाँ भी बिहारी ने भी जो है टीका प्रहार लोगों को कह रहे हैं कि बाह्य आडंबर बाहरी दिखावा मत कीजिए, सच्चे हृदय से जो है सच्ची भक्ति करिए, इससे आपका फायदा होगा। तो कहते हैं कि जप माला जपने से या सिर पर तिलक लगाने से, माथे पर तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो यहां से एक भी काम नहीं बनेगा। आपको मन कच्चे कांचे यानी मन कच्चा नहीं करना है, यानी बिना अच्छे मन से मत करिए ईश्वर की भक्ति को। इससे क्या होगा, आपका जो प्रार्थना है विनती है वो बेकार होगी। इसीलिए सच्चे मन से आप भक्ति करिए, जो राम है ईश्वर रूपी राम है उसे आप पा सकते हैं। यहाँ पर आडंबरों पर और लोगों को एक सामाजिक चेतना को इस धोए के अंतर्गत बिहारी कह रहे हैं। तो इसका हम थोड़ा बहुत यहाँ पर सब प्रसंग देख लेंगे जो इस प्रकार है। प्रसंग प्रसंग दोहे में कवि ने धर्म के बाह्य आडंबरों पर व्यंग्य किया है। भाव जब माला छावे तिलक सरय ना एक औकाम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे नाचे राम। कवि बिहारी कहते हैं कि संसार में माला जपने माथे पर तिलक लगाने जैसे बाह्य आडंबरों से कोई भी कार्य चलने वाला नहीं है, अर्थात इससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। ये कच्चा मन सांसारिक मोहमाया में फंसकर व्यर्थ ही नाचता है। जब तक सच्चे मन से प्रभु को याद ना किया जाए प्रभु प्रसन्न नहीं होते। तो अब यहाँ पर हमने विवरण देखा, इसके शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। शिल्प सौंदर्य दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, रामजी रामों में अनुप्रास अलंकार है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, शब्द रस का अनुपम प्रयोग है, गुण माधुर्य है। शब्द शब्द अर्थ छावे छापा सरय चलता है, एकाव एक भी मन का जाए कच्चा मन अथवा भक्ति रहित मन वृथा व्यर्थ रामचय रामदे। तो इस प्रकार आज हमने बिहारी के आठ दोहों का विस्तृत अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर पर पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा समग्र। तो तब तक के लिए धन्यवाद।